नमस्कार दोस्तों, आज के इस फ्रेश वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही मददगार साबित होगा एग्जाम की दृष्टि से। यदि आप लोग आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज वन का जो एग्जाम 28/3/2016 को सीट टू में हुआ था उसका क्वेश्चन यहाँ पे मैं शामिल करने वाला हूँ। अब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो यहाँ पर आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, क्योंकि मैं वीडियो में आपको पूरा विस्तार से समझाया है कोई भी क्वेश्चन का डाउट मन में क्लियर किया है, साथ ही हर एक क्वेश्चन के यहाँ पर व्याख्या सहित मैंने बताया था, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है, नाम पर है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वाल्ट डिज्नी के नाम। क्या आंसर होगा? वाल्ट डिज्नी। और यहाँ पर हम ऑस्कर की जब बात हो रही है तो ऑस्कर के बारे में बता दें, यह 1929 ईस्वी से शुरुआत हुआ ऑस्कर का, और ऑस्कर की पुरस्कार जो है अमेरिका द्वारा दिया जाता है। सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाला पुरुष वाल्ट डिज्नी हो गया, इसका आंसर वाल्ट डिज्नी होगा। फिर उसका है पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। पहले हॉकी खिलाड़ी थे बलवीर सिंह सीनियर। सब पद्मश्री से सम्मानित पहला हॉकी खिलाड़ी कौन थे? बलवीर सिंह सीनियर। और खेल दिवस भी 29 अगस्त को मनाया जाता है, खेल दिवस का 29 अगस्त को। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? एथेनॉल प्राप्त किया जाता है सी गन्ना से। किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना से। एथेनॉल गन्ना से प्राप्त होता है। उसके बाद है मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है मोटापे को नापने के लिए? मोटापे को नापने के लिए BMI किसका उपयोग किया जाता है? BMI का आंसर क्या होगा? BMI का फुल फॉर्म हो जाता है आपको यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं ऐसे ही कि बी से हो गया बॉडी, तो नापने के लिए बोल रहा है मोटापा, तो मोटापा आदमी संबंधित है, मोटापा आदमी ही ना मोटा होगा, तो बी से बॉडी, एम से मास और आई से इंडेक्स। और यहाँ पर हम बता दें आपको रेनगेज से वर्षा का मापन होता है, और बैरोमीटर से वाइंडले दाब, और मैनोमीटर से गैस का दाब। मैनोमीटर से क्या होता है? गैस का दाब। अब यहाँ पर लीवर वह बिंदु है कौन सा, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? लीवर पर वह बिंदु कौन सा है? तो आंसर होगा फलक्रम, FULCRM फलक्रम। लीवर पर वह बिंदु फलक्रम है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है। लीवर मतलब हो गया, आप लोग यहाँ पर समझा रहे हैं, आप लोगों को लीवर वह होता है जो आपको एक छर होता है और इसमें आप कुएं से बाल्टी से पानी निकालते समय इसका उपयोग होता है, लीवर उसी को बोला जाता है। उसके बाद पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी, बी नंबर आंसर होगा। और एंथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन कहते हैं, और एंथोलॉजी। और यहाँ पर बता दें आप लोगों को कीटों के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोकोलॉजी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? पक्षियों के अध्ययन को, और एंथोलॉजी। फिर यहाँ पर सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आप लोगों को मालूम होगा ही, बुध होगा आंसर। क्या होगा? बुध। सौरमंडल का छोटा ग्रह सबसे कौन है? बुध है। और बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, ये भी क्वेश्चन आता है। बुध सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध होगा। बुध के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र है, उसके बाद बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। आंसर क्या होगा? बी होगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। और यहाँ पर हम बता दें, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, प्रदीप्त घनत्व का होता है लक्स, ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन, प्रेरक का होता है हेनरी,
और चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर, विभवांतर का होता है वोल्ट और दाब का होता है पास्कल, कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन और शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को मैं समझा दिया, जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को छूटे नहीं। उसके बाद है डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है, डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। क्या आंसर होगा, ए नंबर होगा कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। उसके बाद यहां पर हम बता दें 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, इसका आंसर सी होगा पेरिस में। चलिए ये करंट है, करंट में ज्यादा दिमाग मत लगाइए। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है, भारत में सबसे पुराना बांध, भारत में सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अनिकुट बांध। ग्रैंड अनिकुट डी नंबर आंसर होगा, ग्रैंड अनिकुट बांध भारत का सबसे पुराना बांध है। नागार्जुन बांध जो है, नागार्जुन सागर एवं अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध और अलमाटी बांध। भाखरा नागर बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध सतलज नदी पर है। उसके बाद इंदिरा सागर बांध सतलज नदी पर है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे, 2018 का योंग चांग में। चलिए क्वेश्चन 16 में पूछा गया था करंट, तो इसको भी हम यहां पर हटा देते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। उसके बाद है यहाँ पर पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, क्या आंसर होगा, पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, सी नंबर आंसर होगा सोनार। और यहाँ पर हम बता दें आपको गोताखोर अपने साथ जो है हीलियम एवं ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर ले आता है, जो गोताखोर है उसके मिश्रण होता है हीलियम और ऑक्सीजन का। नॉटिकल से समुद्री मील पंपा जाता है और पेरिस्कोप से पानी के अंदर से पानी के बाहरी वस्तु को देखते हैं, पेरिस्कोप से आपको पानी के अंदर से ही बाहर के वस्तु को देखा जा सकता है। रडार से वायुयान आदि के संकेत को ग्रहण करते हैं। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, कौन थे गवर्नर जनरल, पहला लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत स्वतंत्रता के समय भी भारत के गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजाजी राजगोपालाचारी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाता है, या मुझे पूछता है क्वेश्चन ये ही पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, या भारतीय हो जाएगा तो होगा राजाजी राजगोपालाचारी और प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद है अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था, बी नंबर आंसर होगा लाइका, क्या था लाइका। उसके बाद है यहाँ पर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से सभी लोग को मालूम होगा ही रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, आंसर क्या होगा ए नंबर। उसके बाद है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, कितने मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। सात, कितने मौलिक अधिकार हैं, सात, क्या आंसर होगा बी नंबर, सात मौलिक अधिकार हैं। और यहाँ पर देखिए एक चीज आप लोगों को बता दें, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की छह संख्या, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने, छह, लेकिन छह ऑप्शन इसमें नहीं है तो इसलिए आंसर सात होगा, एक्चुअल आंसर इसका है छह। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, छह। पहले भारतीय संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, पहले उसमें क्या हुआ कि 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया मौलिक अधिकार से, तो अब कितना हो गया छह। उसके बाद वर्तमान में संपत्ति के अधिकार कानूनी अधिकार है जिसे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया, 300 क में रखा गया है। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित था जिसे निरस्त कर दिया गया है। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, यूएसए से। चलिए आगे, ये चलिए करंट क्वेश्चन है, इसको भी हम छोड़ देते हैं, जो करंट क्वेश्चन अब दूसरा करंट आएगा, ये तो पुराना करंट हो गया 2015 का,
ये तो आने वाला नहीं। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग यदि पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोगों को ही इससे फायदा होने वाला है। चलिए आगे को देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा, क्या आंसर होगा? बी नंबर, कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है और विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है। क्षेत्रफल में जो क्रम है उसमें आपको हम बता दें, एक क्रम से क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन हो गया, उसके बाद यूएसए हो गया, यूएसए के बाद ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। भारत क्षेत्रफल में सातवें, अर्जेंटीना आठवें स्थान पर है। भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कुल भूभाग का कितना है? 2.42%। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की? किसने किया था डीएमके की स्थापना? सी नंबर आंसर होगा, सी एन अन्नादुराई। और यहाँ पर हम कुछ और बात कर लें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1932 में शेख अब्दुल्ला ने किया, जनसंघ की स्थापना 1932 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, और कश्मीर मुद्दे पर त्याग पत्र मंत्रिमंडल से देने वाले प्रथम केंद्रीय मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे, जिसकी नियुक्ति जेल में हुई थी। उसके बाद है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक को विक्रम साराभाई होगा, क्या आंसर होगा? बी नंबर, विक्रम साराभाई। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम डैश है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है माइक्रोचिप, क्या है? माइक्रोचिप, आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, माइक्रोचिप, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप। उसके बाद आपको है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? बहुत बार पूछा है एग्जाम में, हम लोग भी एग्जाम जिस समय देते थे उस समय बराबर ये क्वेश्चन आता था, इसलिए आप लोग इसको देख ही लीजिए अच्छी तरीके से। आंसर हो जाएगा म्यांमार, क्या होगा? बर्मा, 4 जनवरी को मनाया जाता है बर्मा का। अब यहाँ पर हम कुछ देशों का और स्वतंत्रता दिवस के बारे में जान लें, भारत का 15 अगस्त, पाकिस्तान का 14 अगस्त और अमेरिका का 4 जुलाई, स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को, फ्रांस का 14 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? किसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा बृहस्पति। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? बृहस्पति। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का है। उसके बाद टाइटन शनि का चंद्रमा, शनि का चंद्रमा, चंद्रमा मतलब पूछेगा एग्जाम में कि मान ली यहाँ पर पूछ रहा कि शनि का चंद्रमा कौन है, तो शनि का चंद्रमा खुद कन्फ्यूज मत होइएगा, चंद्रमा मतलब होता है उपग्रह, तो टाइटन शनि का चंद्रमा है और टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबोस और डीमोस जो है वो मंगल का चंद्रमा यानी मंगल का उपग्रह है। उसके बाद आगे बात करें, ए क्यू आई से क्या अभिप्राय है? ए क्यू आई से क्या मतलब है? ए क्यू आई से मतलब होता है, बी नंबर आंसर होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसके बाद है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, खो खो में कितने होते हैं? 9। उसके बाद है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया है, ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा बी नंबर, 21 जून, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। उसके बाद है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, ए नंबर आंसर होगा, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अधीन स्पीकर पद का सृजन हुआ है, अनुच्छेद 93 में स्पीकर के बारे में दिया गया है, और स्पीकर ही साबित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसके बाद स्पीकर अपना त्याग पद किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन कुछ यहाँ पर शामिल और कर लिया। उसके बाद है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पोलियो की टीका खोज किसने किया था बताइए आप लोग, ये सब क्वेश्चन बहुत हल्का है। जॉन सॉल्क, क्या होगा? जॉन सॉल्क, बी नंबर आंसर होगा, जॉन सॉल्क। पोलियो का टीके की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्क ने। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं जानकारी के लिए,
कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को लाइव होने वाला हूँ, लाइव जुड़ूंगा भी, लाइव बात में करूंगा आप लोगों से और लाइव क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो आप लोग को पूरा यहाँ पर मदद मिलने वाला है, तो लाइव जरूर जुड़िएगा। अभी मैं फिलहाल इसको ऑफलाइन ही कर रहा हूँ, तो जब ऑनलाइन करूंगा तो आप लोग जरूर मेरे साथ जुड़िएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, जरूर बताइएगा। फिर है यहाँ पर आगे, जो अनोखा है वह मालूम करें, मंदिर है, ईट है, महल है और घर है, इसमें से जो अलग है। क्या आंसर होगा इसका? बी नंबर आंसर है। क्या होगा? ईट होगा। अब ईट क्यों होगा? इसलिए होगा कि सभी जो है एक वर्ग में बनता है मंदिर। अब देखिए यहाँ पर इसलिए बनाता है कि ईट से ही सब यहाँ पर बन रहा है, ईट से ही मंदिर बनता है, ईट से ही महल बनता है और ईट से ही घर बनता है, इसलिए यहाँ पर ईट अलग है। उसके बाद हम चलिए बात करते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए। आंसर होगा बोध गया, अपना बिहार में हुआ था, बोध गया में। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में। अब बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी आप लोग बताइए? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर। और महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। उसके बाद हम बात करें आगे क्वेश्चन, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? बी नंबर आंसर होगा हीलियम। क्या होगा? हीलियम। उसके बाद किस देश ने यूएसए को स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर होगा फ्रांस। किस देश ने यूएसए को स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? फ्रांस ने भेंट किया था। उसके बाद है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कौन है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो एशिया खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कमलजीत सिंधु। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कमलजीत सिंधु। उसके बाद है, और एशियाई खेल का आयोजन जो हुआ था 1951 में हुआ था, और प्रथम एशियाई खेल जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। और एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह चमकते हुए सूरज है। उसके बाद आगे बात करें हम, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को? 1913 में। क्या होगा आंसर? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई है जिन्हें नोबेल साहित्य में मिला। उसके बाद बात करें अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? क्या आंसर होगा? महाराष्ट्र। क्या आंसर होगा? महाराष्ट्र। इसके बाद पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? पीएसएलवी से यहाँ पर मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद है राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? राइटर्स का मुख्यालय कहाँ है? राइटर्स का मुख्यालय यूके। कहाँ है? यूके में है राइटर्स का मुख्यालय। उसके बाद है आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 को तीसरा शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीसरा शिफ्ट में जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई यहाँ पर आंसर होगा, जीवन की मूलभूत इकाई है ए नंबर कोशिका। क्या होगा? कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका, और कोशिका के अध्ययन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? न्यूनतम छिद्रयुक्त कौन सा है? चिकनी मिट्टी। क्या होगा आंसर? चिकनी मिट्टी। ये भी करंट क्वेश्चन है, फिर भी जान लीजिए। 2015 में मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीता था?
2015 में कौन जीता था, ये बी नंबर आंसर होगा, पिया उत्सवर्ग। चलिए इसको कोई याद याद रखना जरूरी नहीं है चूंकि 2015 का है। चाणक्य का अन्य एक अन्य नाम क्या है, चाणक्य को क्या कहते हैं, पर विष्णुगुप्त भी कहते हैं, क्या आंसर होगा, विष्णुगुप्त, बी नंबर। और चाणक्य के बारे में जान लीजिए आप लोग, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसका संबंध राजनीति से है, ध्यान दीजिएगा, जिसका संबंध किससे है, राजनीति से है, अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। मेघानस्थी द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्राह्म समाज के संस्थापक होगा राजा राम मोहन राय, क्या आंसर होगा, राजा राम मोहन राय। और ब्राह्म समाज की स्थापना कब हुई, 1825 में। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, 1815 में आत्मीय सभा। और आदि ब्राह्म समाज की स्थापना 1866 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना पांडुरंग एम जी रानाडे एवं देवेंद्रनाथ ठाकुर ने केशव चंद्र के सहयोग से 1867 में किया था। सत्शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ज्योतिराव फूले। उसके बाद निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है, कौन सी नदी की निकलती है, आंसर होगा बी, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ियों से। कृष्णा की सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, घाट पड़वा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे, सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकीनाथ बोस, क्या आंसर होगा, जानकीनाथ बोस। निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया, ये भी करंट क्वेश्चन है तो नया वाला देख लीजिएगा, चलिए इसे फिर भी जान लीजिए आंसर इसका, आंसर होगा ये, गुरुचरण सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है, उत्कृष्ट धातु कौन सी है, उत्कृष्ट धातु है चांदी। सबसे बड़ी भारी धातु कौन सी होती है, ओसियम। सबसे भारी धातु ओसियम है, प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु है। और इसमें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता, 2015 वाला ये भी नहीं आएगा, नया करंट देख लीजिए आप लोग, करंट वाला, चलिए क्वेश्चन कैंसिल करते हैं। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटेनिक किस देश का था, टाइटेनिक आप लोगों को मालूम होना चाहिए, टाइटेनिक जो था वो ग्रेट ब्रिटेन का था, क्या आंसर होगा, सी नंबर, ग्रेट ब्रिटेन। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटेनिक किस देश का था, ग्रेट ब्रिटेन का। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, मारियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में, क्या आंसर होगा, प्रशांत महासागर। ट्रेंच मतलब होता है खाई, मारियाना गर्त जिसको गर्त भी बुलाया जाता है, किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। और मेरियाना गर्त की कुल लंबाई 11,022 मीटर है। प्यूरिटो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, क्या आंसर होगा, मानव शरीर सबसे छोटी हड्डी है एस्टेपीज, छोटी हड्डी कौन सी है, एस्टेपीज है, जो कहां पाया जाता है, कान में। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206। और बाल्यावस्था में हड्डियों की कुल संख्या होती है 208। एस्टेपीज कान की हड्डी है, ध्यान दीजिएगा, एस्टेपीज कहां की हड्डी है, कान की हड्डी है। और शरीर के सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, हमिंग बर्ड। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन है, हमिंग बर्ड। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, क्या होता है, नीला, क्या आंसर होगा, बी नंबर, नीला। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, बी नंबर आंसर होगा, सिडनी, क्या आंसर है, सिडनी।
भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। और यहाँ पर और संस्थान के बारे में जानकारी कर ले आप लोग। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ? बेंगलुरु में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है? भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई में। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? क्या आंसर होगा इसका? कौन सा खेल ओलंपिक से हटा दिया गया है? आप लोग सोचिए। आंसर होगा बेसबॉल। क्या हटा दिया गया है? बेसबॉल। ये आंसर सी नंबर आंसर होगा। कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का क्या तात्पर्य है? लेन से क्या मतलब है? लेन से मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि किसने तैयार की थी? बर्जीलियस। क्या आंसर होगा? सी नंबर, बर्जीलियस। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है। क्या आंसर होगा? सी नंबर, सूर्य। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। और यहाँ पर और एजेंसी का मुख्यालय के बारे में चर्चा कर ले। यहाँ पर ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। क्या आंसर होगा? डी नंबर, देहरादून। बीएल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। सीआईएल का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और ओआईएल का मुख्यालय कहाँ है? डूली याजल में। रॉबर्ट गालब्रेथ के बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? डी नंबर आंसर होगा, जे के रोलिंग। थॉमस कप किस खेल संबंधित है? थॉमस कप आपको संबंधित है बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन। और बैडमिंटन से और भी कप है, नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप। और बेटन कप बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। वर्ना वेलकम कप टेबल टेनिस से संबंधित है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा संलयन से उत्पन्न होती है। क्या आंसर होगा? परमाणु संलयन। ए नंबर आंसर का इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? डी नंबर आंसर होगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपाई सी नंबर आंसर होगा, ब्लू व्हेल। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। कितना होता है? 39 डिग्री। शब्द विषु इक्विनोक्स संदर्भित करता है। क्या आंसर होगा? दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। विषु का अर्थ होता है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना किसने परिभाषित किया था? आर्थर ट्रॉसेल ने। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी भाषा स्पेनिश है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या आंसर होगा? स्पेनिश। विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। क्या होगा? चार्ल्स डार्विन। आइंस्टीन जो दिया था वो आपको दिया था आप सापेक्षता का सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। और आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। गति विषयक नियम कौन दिए थे? न्यूटन। उसके बाद है लाइट पेन क्या है? लाइट पेन आपको है इनपुट डिवाइस। क्या होगा? इनपुट डिवाइस। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? चलिए क्वेश्चन करंट क्वेश्चन है, इसको भी हम बाहर करेंगे, कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन को पढ़ना। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल आपको है ब्राजील का। किस देश की मुद्रा है रियाल? ब्राजील की मुद्रा है रियाल। जो है और देश में भी होता है आपको, ईरान में, कतर में, ओमान में, सऊदी अरब तथा यमन में। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा आपको युआन है।
और जामिया की मुद्रा दलासी है, क्यूबा की मुद्रा क्या है, क्यूबा की मुद्रा पीसो है, सब के बारे में जान गए आप लोग। चीन की मुद्रा युआन, क्यूबा की मुद्रा पीसो, और रियाल किस देश की मुद्रा है, ब्राजील की मुद्रा रियाल, और गाम्बिया की मुद्रा दलासी। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, सी नंबर होगा आंसर, निष्क्रियकरण। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रथम व्यक्ति थे देविका रानी। दादा साहब सम्मानित फाल्के पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति देविका रानी थे। देविका रानी को यह पुरस्कार 1969 में मिला था और पृथ्वीराज को मिला है 1971 में मरणोपरांत। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, क्या आंसर होगा, डी केवलादेव। केवलादेव अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, जाइलम, क्या आंसर होगा, जाइलम। जाइलम पौधे को पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम बनाता है। और पौधे की आयु की गणना किया जाता है जाइलम उत्तक को वार्षिक बलय गिन करके। इनमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे, भास्कर, कौन थे, भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ थे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और भी आगे मैं आप लोगों को फिर शामिल करूंगा नए क्वेश्चन। और साथ ही मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आगे मैं लाने वाला हूं वीडियो ग्रुप डी का भी, इसी तरह से जो ग्रुप डी में पूछेगा एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन उसको, तो फिर देखिएगा अगला वीडियो जरूर आप लोग। चलिए बाय, टेक केयर।